हाँ जी बेटा, तो लेट अस टुडे स्टार्ट विद बेटा। हम जो टॉपिक कर रहे थे बाय पार्ट्स का, मैंने एनसीईआरटी में से आपको कहा था कि क्वेश्चंस हमने काफी डिस्कस किए थे, और कुछ मैंने कहा था यू ट्राई योरसेल्फ। मैं जैसे एक आधा और एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको करवा देती हूँ बेस्ड ऑन एक्सरसाइज जो है हमारे पास 7.3। ओके, बाय पार्ट्स पर बेस्ड 7.6, सॉरी। ओके, तो इसी पर बेस्ड जो है मैं करवाने लगी हूँ। जैसे एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, बुक में नहीं है, बट सेम टाइप तो हमने की है। ई पावर एक्स मेरे पास हो गए साइन 4x-4 ओवर मेरे पास जो है 1- बेटा कॉस 4x dx। देखिए, ई पावर एक्स को देखते ही ना मेरे माइंड में पता क्या आया बेटा, कि मैं क्या करूं कि एफ ऑफ एक्स बनाऊं और उसका डेरिवेटिव बनाऊं। तो उसके लिए मेरे माइंड में आता है नीचे सिंगल टर्म कर दो। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर ना 2 sin 2x और cos x 2x कर दिया, हाफ एंगल का फॉर्मूला लगाया, -4 ओवर 2 sin² ½ dx। देखो नीचे भी हाफ एंगल, यहाँ पर भी हाफ एंगल। ओके, क्योंकि और कोई मेरे पास ऑल्टरनेटिव ही नहीं है ना, हाफ एंगल ही लगा सकती हूँ, मैंने वो लगाया। अब मेरे माइंड में क्या आ रहा है, अच्छा मैं ना सेपरेट करके देख लूं। लेट अस सी, जब मैंने सेपरेट किया तो मेरे पास यहाँ पर 2 2 कट गया, ये कट गया और cot 2x बन गया। और माइनस यहाँ पर देखूं तो मेरे पास ये 2 क्या बन गया, cosec² 2x dx बना। ओके, अब मेरे को लगता है कि मैं चूज करके देखूं कि मेरे पास फंक्शन और साथ में उसका डेरिवेटिव बन रहा है कि नहीं बन रहा। अगर मैं ये देखूं फंक्शन में इसको लूं, ठीक है, cot 2x को, और इसका डेरिवेटिव लूं, क्या बनेगा, -2 cosec² 2x बनेगा ना। तो क्लियर कट है, ये फंक्शन और ये उसका डेरिवेटिव विद नेगेटिव साइन, तो क्या बन जाता है, इंटेग्रल मेरे पास जो है ई पार एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस f'(x) dx मेरे पास क्या होता है, दैट इज इंटेग्रल ई पार एक्स। इंटेग्रल साइन नहीं आएगा, ई पार एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी आंसर मेरे। तो इसका आंसर क्या होगा, ई पार एक्स cot मेरे पास जो है 2x + c मेरा आंसर। काम खत्म, नहीं तो बाय पार्ट 2 बार करोगे बेटा, करते जाओगे तो वो लेंथी होता जाता है। आप कर भी लोगे तब भी वो गलत नहीं है, बस थोड़ा लेंथी होगा। फिर अगर बाय पार्ट्स करना है तो सेकंड वाले को मत लगाना, हाँ वो अपने आप कटेगा। क्लियर बेटा, दोनों को बात समझ आ गई, रबनूर और रसिका। चले बेटा आगे, चलिए चलिए बेटा नेक्स्ट। अब मैं आपको टॉपिक करवाने लगी हूँ, लेट अस डू द नेक्स्ट। बेटा जो नेक्स्ट टॉपिक है ना, वो जस्ट फॉर्मूला आपको बता रही हूँ, क्योंकि आगे वाले चैप्टर में यूज होना है, अदरवाइज वो एक्सरसाइज डिलीटेड है। डायरेक्ट आपको फॉर्मूला आना चाहिए इंटीग्रेशन करने के लिए, क्योंकि डेरिवेटिव एडजस्ट करना, रिड्यूस करना, वो सारा वो डिलीटेड है। तो सिर्फ आपको फॉर्मूले लर्न करने हैं, क्योंकि ये एरिया अंडर द कर्व में यूज होते ही होते हैं। ओके, हमने अभी तक 1/क्वाड्रेटिक किया था, 1/√क्वाड्रेटिक किया था। जो इंटेग्रल √क्वाड्रेटिक है ना, ये लीनियर √क्वाड्रेटिक, वो डिलीटेड है हमारे पास। ओके, तो डायरेक्ट फॉर्मूला आपको आ सकता है 2 नंबर में सीधा कि इसको करो, या कई बार सब्सिट्यूट करके ऐसी फॉर्म बन जाए तो आपको वो आना चाहिए। ठीक, इसका कल भी हमने एक ऐसा फॉर्मूला किया था जब यूज हुआ था, आज मैं फिर बताने लगी हूँ। अगर इंटेग्रल √x² - a² का मेरे पास जो है फॉर्मूला क्या होता है, x/2 इंटेग्रल, ओ सॉरी, √ax² - a² मेरे पास जो है -a² / 2 लॉग ऑफ, मेरे पास जो है लॉग ऑफ mod x + √x² -a² + c। ओके, जस्ट लर्न दीज फॉर्मूलाज, नथिंग एल्स। ओके, सेकेंड मेरे पास है
इन जो है इंटेग्रल अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डीएक्स 1/2 एक्स या एक्स बाय टू लिख दीजिए, कोई बात नहीं, बिल्कुल सेम चलेगा। अंडर रूट जो है मेरे पास ए स्क्वायर माइनस मैंने कौन सा लिखना है एक्स स्क्वायर प्लस वाला, तो मेरे पास जो है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय टू लॉग मॉड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस, बिल्कुल दोनों सेम है, ठीक है। यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस वाला, यहाँ पर भी माइनस वाला, यहाँ प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस वाला और यहाँ पर भी प्लस वाला, लेकिन जो थर्ड वन है वो डिफरेंट है, दैट इज ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, उसमें साइन इनवर्स आता है, दैट इज 1/2 एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखो सबका पहला पार्ट सेम है, एक्स बाय टू एक्स बाय टू, और जो है वो आना ही आना आना ही आना, ओके। लेकिन बाकी सब में ए स्क्वायर बाय टू लॉग वाला, लेकिन यहाँ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो साइन इनवर्स वाला आता है, इसमें क्या आता है प्लस ए स्क्वायर बाय टू साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी, ओके बेटा, क्लियर टू एवरीवन। सिर्फ ये याद करना और कुछ नहीं, ये तीन फॉर्मूले हैं जो नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आपकी नेक्स्ट टू एक्सरसाइज डिलीटेड है, 7.7 इज डिलीटेड एंड बेटा 7.8 लिमिट एज ए सम दोनों डिलीटेड है, ओके बेटा क्लियर। अब हमने जो आज करना है वो बेटा करना है बेसिकली डेफिनेट इंटीग्रल, ओके। इनडेफिनेट इंटीग्रल हमारे पास जो है फिनिश हो गए हैं, हमने डेफिनेट इंटीग्रल करना है। मैंने आगे भी स्टार्ट ऑफ द चैप्टर में आपको बताया था कि डेफिनेट इंटीग्रल मतलब हम लिमिट्स को फिक्स कर देते हैं कि हमने एरिया अंडर द कर्व निकालना है बिटवीन सर्टन लिमिट्स, तो हम डेफिनेट इंटीग्रल को यूज करते हैं। बेसिकली कोई भी कर्व है, मान लीजिए ये कर्व है, तो जब मैंने इसकी लिमिट फिक्स कर दी, ये देखो, तो ये मुझे बताता है कि इस कर्व का विद एक्स एक्सिस कितना एरिया कवर हो रहा है। डेफिनेटली ये मैंने फिक्स की एक्स इज इक्वल टू ए एक्स इज इक्वल टू बी ऐसे, तो इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इट टेल अस अबाउट द एरिया ऑफ द कर्व विद एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस डिपेंडिंग अपॉन, यहाँ एक्स एक्सिस पे बताता है जब हम डी एक्स के साथ लेते हैं, जब डी वाई के साथ लेंगे तो वो वाई एक्सिस के साथ, ओके जी। इट ये दिस इज कॉल्ड लोअर लिमिट, छोटी वाली लिमिट पे ले आते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड अपर लिमिट ऑफ इंटीग्रल, ओके। बाकी वही फंक्शन, बस क्या डिफरेंस है डेफिनेट और इनडेफिनेट में कि वहां पर हम प्लस सी लेते थे, हम जनरल फैमिली ऑफ कर्व्स को रिप्रेजेंट करवाते थे, यहाँ हम एक पर्टिकुलर कर्व को लेते हैं उसकी लिमिट हम फिक्स कर देते हैं, इसीलिए ये डेफिनेट इंटीग्रल कहा जाता है। वहां प्लस सी कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लेते थे, यहाँ नहीं आता बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट विद इन द लिमिट्स, क्लियर, बात समझ आई बेटा। अब करने का तरीका पहले तो बिल्कुल वही है, हमारे पास जो है थ्योरम है सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, वो यही कहती है कि अगर हम इसका इंटीग्रल लेना है ना, मान लो कोई भी आंसर फंक्शन आया ऐसे, बस कुछ भी नहीं करना, फंक्शन कोई भी आया ए टू बी, मतलब पहले अपर लिमिट पुट करो उस फंक्शन में माइनस लोअर लिमिट पुट करो। देखो मैंने फंक्शन की वैल्यू चेंज कर दी ना, जब इंटेग्रल करेंगे तो अपने आप कोई नया फंक्शन आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, लेट अस सी, मेरे पास है इंटेग्रल 2 to 3, ओके, आई एम हैविंग एक्स डीएक्स, भूल जाओ 2 to लिमिट 3 दी हुई है, हम फंक्शन ये है, अब इसका इंटेग्रल करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाय 2 आया, बस ये 2 to 3 इधर लिख दो, फिर क्या करेंगे अपर लिमिट मतलब x को रिप्लेस करो 3 से, अपर लिमिट 3 स्क्वायर बाय 2 माइनस 2 स्क्वायर बाय 2 एंड सॉल्व इट एंड गेट योर आंसर, ओके बेटा, क्लियर टू एवरीवन।
एनी डाउट टू एनी वन प्लीज टेल मी, चले आगे। ठीक है, पहला जो मतलब इंटीग्रेशन का डेफिनेट इंटीग्रल का जो काम है वो सॉल्व करना ऐसा ही है। आगे हमारे पास दूसरे मेथड्स भी हैं कि हम डेफिनेट इंटीग्रल को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। हमने पहले एक्सरसाइज में यही करना और कुछ नहीं है, जितने इंटीग्रेशन के पुराने मेथड किए हम उसको इसमें यूज करेंगे और बस एंड में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर। फिर आगे हम करेंगे कि अगर हमने शॉर्टकट अप्लाई करना है तो हम प्रॉपर्टीज लर्न करेंगे डेफिनेट इंटीग्रल। ओके, पहले हम एक्सरसाइज 7.9, मैं सीधा एक्सरसाइज करवा रही हूँ क्योंकि एग्जांपल सारे उसी में कवर हो जाएंगे। लेट अस डू एक्सरसाइज जो है मेरे पास 7.9। ओके, अब एक्सरसाइज 7.9 में मेरे पास जो है क्या है, पहला क्वेश्चन जो है लेट अस सी, सिंपल लिखा आता है इवैल्यूएट द डेफिनेट इंटीग्रल और कुछ नहीं, वो हमने देखना है कौन से मेथड से वो सॉल्व हो सकता है। ओके जी, व्हाट दैट मेथड इज, फर्स्ट इज इंटीग्रल माइनस वन टू वन एक्स प्लस वन डी एक्स। ओके जी, क्या करें, पहले लिमिट भूल जाऊं, अगर एक्स प्लस वन है उसका इंटीग्रल क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाय टू और वन का इंटीग्रल एक्स, बस जी माइनस वन टू वन। अब एक्स को रिप्लेस करो लिमिट्स, मैंने लिखा था ना एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, बी ए ये, जब मैंने वन को रिप्लेस किया एक्स के साथ तो वन बाय टू प्लस वन, ये अपर लिमिट आ गई, जहां जहां एक्स है वहां वहां रिप्लेस कर दूं, माइनस लोअर लिमिट पुट करनी है मेरे पास वन बाय टू, यहाँ पर माइनस वन आ गई, बस अब ओपन कर दीजिए मेरे पास हो गई, सॉल्व कर लो वो आपकी मर्जी है, जैसे मर्जी सॉल्व कर लो, आंसर इज टू। ओके जी, एनी डाउट टू एनी वन, कोई डाउट किसी को, चले बेटा आगे, श्योर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑल क्वेश्चंस आर वेरी इजी, मुझे लगता है आप लोगों को खुद ट्राई करने चाहिए क्योंकि बहुत इजी है। लेट अस डू क्वेश्चन नंबर फोर्थ, देखिए इंटीग्रल 0 टू पाई बाय 4 साइन 2x dx, क्या करेंगे बेटा, यहां पर साइन 2x का इंटीग्रल क्या होता है, माइनस कॉस 2x बाय 2 ना, बस 0 पाई बाय 4, मेरे पास क्या आएगा माइनस 1 बाय 2 बाहर ले ले। ओके, अब रिप्लेस करो, जब आप पाई बाय 4 पुट करोगे पाई बाय 2 कॉस पाई बाय 2 माइनस कॉस 0, कॉस पाई बाय 2 इज 0, कॉस 0 इज 1, तो आंसर कितना आएगा 1 बाय 2 इंटू माइनस 1, आंसर इज 1 बाय 2, काम खत्म। ओके जी, एनी डाउट टू एनी वन, एनी डाउट टू एनी वन, क्लियर, चले चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं। लेट अस डू द सेवेंथ क्वेश्चन, टेन एक्स का, हाँ जी इंटीग्रल आपने फॉर्मूला किया हुआ ना, हाँ जी रसिका प्रभनूर कोई बताया बेटा, टेन एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, लॉग मॉड कॉस एक्स होते है? तो अप्लाई कीजिए, लॉग मॉड जो है माइनस भी आएगा कॉस एक्स, 0 टू पाई बाय 2 पाई बाय 4 अपर माइनस लोअर, कर लीजिए बस काम कर। ओके जी, हाँ जी कोई डाउट यहां पर बेटा, एनी डाउट टू एनी वन, क्या करें अब, माइनस लॉग मॉड कॉस पाई बाय 4 है ना, ये माइनस बाहर था ना उसको बाहर ही रहने दो, माइनस लॉग मॉड कॉस 0, ठीक है, प्लस सी में कोई नहीं लगा रही, देखो अब यहाँ पर माइनस लॉग कॉस पाई बाय 4, पाई बाय 4 मतलब 45, 45 का क्या होता है 1 बाय रूट 2, ठीक है, तो लॉग 1 बाय रूट 2 माइनस लॉग 0, 1 लॉग 1 इज 0, ये 0 खत्म, काम खत्म। अब इसको सॉल्व आप जितना सिंप्लीफाई कर सकते हो, कैन वी राइट इट
as 2 power minus 1 by 2 m log n. कैसे लिख सकते हैं इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 by 2 log 2 is my answer. बस सिंप्लीफाई करना आप पे हाथ में. क्लियर है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं यहां तक बेटा? और करें क्वेश्चन? ठीक है, लेट अस डू द नाइन्थ क्वेश्चन. बीच बीच में जो छोड़ रहे हो वो इजी बिल्कुल है, तो सारे इजी इस एक्सरसाइज के. ठीक है, आप खुद भी कर सकते हो, बट ट्राई इट. ठीक है, कोई भी छोड़ना नहीं. लेट अस डू द नाइन्थ क्वेश्चन. 0 to 1 डी एक्स ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. हाँ जी, हमारे पास जो है क्या फॉर्मूला होता है, सीधे साइन इनवर्स एक्स होता है इसका, तो अप्लाई कीजिए साइन में इनवर्स एक्स 0 to 1. अब साइन इनवर्स 1 जो है मेरे पास माइनस साइन इनवर्स 0, और साइन इनवर्स 1 कहाँ होता है, पाई बाय 2. साइन 0 0 पे आंसर इज पाई बाय 2. वेरी इजी टू डू दिस एक्सरसाइज, वेरी इजी. पता चल गया बेटा? चलो एक आधा क्वेश्चन और करें. लेट अस डू जो है बाय पार्ट्स का कोई करते हैं. बाय पार्ट्स वाला है नहीं है. चलो हम ऐसा करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन नंबर 16. ओके, बता सकते हो कोई कैसा करेंगे? हाँ जी, 5x² ओवर मेरे पास जो है x² प्लस 4x प्लस 3 है आई थिंक. हाँ जी, क्या करें बता सकते हो दोनों में से बेटा कोई क्या करें इसको? व्हाट वी विल डू? हाँ जी, प्रभनूर और रसिका में से अगर ये बिना लिमिट के आता तो हम क्या करते? मैम स्क्वायर रूट कंप्लीट करते. हाँ जी, क्या करते प्रभनूर? मैम स्क्वायर रूट कंप्लीट करते. साउंड आपकी आवाज क्लियर नहीं आई मुझे. लॉन्ग डिवीजन करते. क्यों करते? क्योंकि मेरे पास जो है डिग्री ऊपर और नीचे जब सेम आती है ना, तो हम क्या करते होते हैं उसको लॉन्ग डिवीजन से पहले सिंप्लीफाई करते हैं, रिड्यूस करते हैं. ठीक है, तो लॉन्ग डिवीजन मेरे को पता है इसका आंसर जो है, जब मैं लॉन्ग डिवीजन करूंगी ना तो 1, 2 मेरे पास जो है क्योंकि 5 है तो 5 आएगा ही आएगा, और साथ में -20x -15 ओवर द सेम टर्म. आप करके देख लेना, लॉन्ग डिवीजन सबको आती है. ओके, कैसे करते होते हैं? क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइज. मैंने लिख दी, ऐसे ही लिखते थे ना, मैंने नोट भी लिखवाया था आप लोगों को. अब आगे करना है हमने इंटेग्रल कैसे करेंगे. जब ये लीनियर ओवर क्वाड्रेटिक आ जाता है, मैं क्या कहती थी, सबसे पहले डेरिवेटिव एडजस्ट करते. अगर मैं इसका डेरिवेटिव देखूं ना तो 2x प्लस 4 मुझे ये चाहिए, आई नीड हियर 2. तो मैं कॉमन ले लूं या मैं 5 कॉमन ले लूं, मैं कुछ भी कॉमन ले लूं बाद में, मुझे पता है मुझे 2 बनाना है, तो मैं -10 ही कॉमन लूं बेटा. अपने स्टेप्स हम खुद नहीं बढ़ा सकते, क्यों बढ़ाए? ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं सेपरेट कर दूं, 1/2 5 dx मैंने ये सेपरेट कर दिया. अब यहां से मैंने -10 जो है वो कॉमन ले लिया, बाहर ले लिया 1/2, और उसका बेनिफिट क्या हुआ, 2x. यहां पर मेरे पास बच गया -15 बाय प्लस 10 हो गए, क्योंकि नेगेटिव भी कॉमन बाहर ले. अब मुझे चाहिए प्लस 4, मैंने 4 ऐड किया, 4 सब्ट्रैक्ट किया, अब ये इसके नीचे अलग कर दिया और इसके नीचे इसको अलग कर दी. आगे भी तो हम यही मेथड करते थे dx. ओके, अब इंटेग्रल अलग अलग कर दी, ये बीच में प्लस डाल देते हैं. अब इसका इंटेग्रल तो आपको पता है, फंक्शन नीचे डेरिवेटिव ऊपर, क्या करते हैं लॉग ऑफ अ फंक्शन, और इसका क्या करते हैं कंप्लीट स्क्वायरिंग. जब 1 ओवर, क्योंकि ऊपर तो न्यूमेरिकल वैल्यू है, कांस्टेंट है ना, तो अगर 1 ओवर क्वाड्रेटिक को कंप्लीट स्क्वायरिंग करके अपर माइनस लोअर,
हर स्टेप में कर ही जाना। देखो मैं लिमिट लिख रही हूँ, जब मैंने इसको सॉल्व किया मैं ये पूरा कर देती हूँ ताकि आप लोगों को एक बार पता चल जाए कि हम प्रेजेंटेशन कैसे करेंगे। ओके लेट अस सी। अब देखिए मेरे पास जो है यहाँ पर व्हाट आई विल डू कि मेरे पास 5x 1 to 2 ओके माइनस 10। अब इसका क्या करूंगी मैं, लॉग मेरे पास जो है मॉड एक्स स्क्वायर प्लस 4x + 3 ओके लिमिट पुट कर दीजिए साथ में 1 to 2 ऊपर लिख दीजिए। अब इसका जो मैं एलसीएम लूंगी तो माइनस पहले काट लो 5 3 5 2 चलो 2 एलसीएम लिया तो 8 माइनस प्लस 3 माइनस 5 माइनस 5/2 आई विल राइट माइनस 5/2 और इंटीग्रल 1 बाय दिस। अब मैं हाफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स यानी 2 का स्क्वायर ऐड 2 का स्क्वायर सबट्रैक्ट। ओके जी तो अब मेरे पास अपर माइनस लोअर मेरे पास आया तो मेरे पास जो है क्या बना यहाँ पर 5 2 - 1 ठीक है जी माइनस 10। अब इधर भी ऐसे कर दीजिए और यहाँ लिमिट भी लिखनी है 1 2 2 ये लिखना जरूरी होता है। ओके चलिए अब मैं दूसरी तरफ आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ बाकी सारा क्वेश्चन। लेट अस सी मेरे पास हो गए देखिए 5 ये x की जगह पे 2 फिर 1 मैंने 5 बाहर ले लिया ओके माइनस 10। अब मैं ये 2 पुट करने लगी, जब मैंने 2 पुट किया इधर कितना है 4 + 8 = 12 + 3 = 15 मेरे पास हो गए log 15 माइनस मेरे पास हो गए 1 कितना बना 1 पुट करूंगी तो 7 और 8 मेरे पास हो गए log 15 जो है माइनस log जो है कितना हमने किया था 8 ओके उसके बाद उधर माइनस 5/2 जो है अब मेरे पास बन गया इंटीग्रल 1 to x + 2 square - 1 dx। अब x square माइनस a square 1 by x square माइनस a square का फॉर्मूला लगाइए फिर अपर माइनस लोअर दैट इज 1 to 2 सॉल्व इट एंड गेट योर आंसर। ओके बेटा क्लियर टू एवरीवन कोई प्रॉब्लम तो नहीं श्योर बेटा चले आगे। यही हमारा सारा जो है फर्स्ट एक्सरसाइज में 7.9 एक्सरसाइज में था आप कर सकते हो है ना ये बिल्कुल 1-2 मार्क्स के जो है इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन बट मेरे को नहीं लगता कभी भी डायरेक्ट कभी ऐसे आते ओके तो बट हमें बेसिक कॉन्सेप्ट जरूर पता होना चाहिए ना तो दैट्स व्हाई ये हमारी एक्सरसाइज उसी पर बेस्ड। अब मेन जो क्वेश्चंस आते हैं वो होते हैं सब्स्टिट्यूशन। अब जब हम कई क्वेश्चंस में सब्स्टिट्यूशन करते हैं कई क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो तब बेटा हम डेफिनेट इंटीग्रल को कैसे करते हैं कुछ भी नहीं तब लिमिट चेंज हो जानी है डेफिनेट इंटीग्रल की और कुछ भी नहीं। वी हैव टू चेंज द लिमिट ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल ठीक है समझ आ गई बेटा। अब डेफिनेट इंटीग्रल की हम लिमिट जो है वो चेंज करते हैं कैसे चेंज करते हैं लेट अस मैं आपको एक एग्जांपल बता दूं एग्जांपल 28 देखिए उससे ज्यादा क्लियर होगा अगर मैं आपको मेथड बताऊंगी। तो एक्सरसाइज जो है अब हम करने लगे 7.10 उसी पर बेस्ड एग्जांपल 28 है। अब देखिए जरा मेरे पास क्या है -1 to 1 5x power 4 जो है अंडर रूट एक्स पावर 5 + 1 dx ओके तो क्या करेंगे अब बेटा देखिए जरा क्लियर कट मुझे पता चल रहा है अगर ये लिमिट्स ना होती तो आप कैसे सॉल्व करते आपको क्लियर कट पता है इसको कुछ पुट करो तो इसका डेरिवेटिव इधर एडजस्ट हो रहा है ना तो मैं क्या करूंगी फिर यहाँ पर व्हाट आई विल डू मैं क्या करूं मैं पुट कर दू पुट एक्स पावर 5 + 1 को टी पुट कर दू जब मैंने पुट किया 5x की पावर 4 dx = dt ओके अब जब ये आया बेटा
तो लिमिट भी चेंज होंगी, बस यही फर्क है सब्स्टिट्यूशन मेथड, और कुछ नहीं, क्योंकि दीज लिमिट्स आर कॉरेस्पॉन्डिंग टू द वेरिएबल एक्स। व्हेन यू आर चेंजिंग द वेरिएबल तो आपकी क्या होगी, लिमिट भी उसी वेरिएबल की होगी। तो आपने क्या करना है, व्हेन एक्स इज माइनस वन, अब यहां माइनस वन पुट कीजिए, माइनस वन प्लस वन, देन टी इज जीरो, टी जीरो हो गया। जब x मेरे पास 1 आया, जब 1 पुट किया, देन मेरे पास t इज 2, और कुछ भी नहीं। अब सारा क्वेश्चन वैसे ही होगा, i है इंटीग्रल, i टेक इट एज, मेरे पास वो है, क्या होगा यहाँ पर देखो, तो अब लिमिट बस ये याद रखना, माइनस 1 लोअर लिमिट थी ना, तो 0 लोअर लिमिट, 0 टू 2। अब ये नए वेरिएबल की वैल्यूज पुट कर दी, तो यहां पर भी मेरे पास तो है dt और अंडर रूट, बस अब ले लीजिए मेरे पास जो है, क्या करोगे, t की पावर 1/2, t की पावर 1/2 प्लस 1 जो है कितना बना मेरे पास जो है 3/2, और लिमिट आगे प्लस c लिखते थे बस, अब ऊपर, अब कोई आपने t को रिप्लेस नहीं करना, बस इतना काम है, रिप्लेस नहीं करना, क्योंकि हम लिमिट भी नए वेरिएबल के अकॉर्डिंगली कर चुके हैं, तो नो नीड टू रिप्लेस t, बस अब बस अपर, अब मैं t पे 2 3/2 माइनस जो है 3/2 मेरे पास नीचे भी है, जीरो पुट करोगे तो जीरो, ये आ जाएगा 2/3 और इनटू 2 की पावर 3/2, और ये बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, प्लस वन कर दो, लेट मी शो यू, वेट वेट, ये अब कोई बच्चा अगर लिमिट्स चेंज नहीं करता है तो उसको इंटीग्रल के बाद वेरिएबल को चेंज करना है, फिर अपर माइनस लोअर, तब वो शुरू से ये लिमिट्स लेके ही ना चले, बट बेस्ट तरीका यही होता है, वहां कंफ्यूजन होने के डर होता है, यहाँ कंफ्यूजन नहीं होती, कोई बैक नहीं करना, कोई बैक सब्स्टिट्यूशन नहीं करनी, आगे हम x t को रिप्लेस करते थे x पावर 5 प्लस t में, अब नहीं करना, क्योंकि मैंने अपर और लोअर लिमिट उसके अकॉर्डिंगली चेंज कर दी है बेटा, और कुछ भी। ये बात समझ आई बेटा, कबनूर रसिका क्लियर, हाँ जी बेटा क्लियर टू बोथ ऑफ यू, रसिका रसिका क्लियर है बेटा, रसिका नो रिस्पॉन्स बेटा, दैट मीन्स रसिका इज नॉट प्रेजेंट, चलिए ठीक है, अब हमारा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, हम इसी पर छोटी सी एक्सरसाइज है 10.7.10, लेट अस डू दैट, ठीक है क्लियर, लेट अस डू दैट बेटा, एक्सरसाइज 10.4, फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, ये सारी सब्स्टिट्यूशन पर बेस्ड है, फर्स्ट क्वेश्चन 0 to 1 एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स, ओके पुट एक्स स्क्वायर प्लस 1 को टी पुट करते हैं, तो ये 2x डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी, ओके तो क्लियर कट मेरे पास जो है एक्स डी एक्स है, आपकी मर्जी है 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड पहले ही कर दो, पूरे को पुट कर देना, डजंट मैटर, ओके अब जब मैंने पुट कर लिया तो लिमिट भी चेंज हो, चेंज इट, अब मेरे पास क्या हो गया, व्हेन यू पुट पुट एक्स इज इक्वल्स टू 0, एक्स 0 पुट करोगे तो दिस इंप्लाइज टी इज इक्वल्स टू 1, When you put x is equals to 1, जब आप x 1 put करोगे तो t is equals to 2, कुछ भी नहीं है इस exercise, बस limit change कर दो, ठीक है, तो अब मेरे पास 1/2 integral मेरे पास हो गए, 1 to 2 मेरे पास हो गए, अब क्या आएगा मेरे पास dt over t, तो 1/2 log mod t 1 to 2,
ओके, देन अपर माइनस लोअर, बस सारी एक्सरसाइज इसी पर बेस्ड है बेटा। 1/2 लॉग 2 को 2 ही रहने दो, लॉग 1 0, काम खत्म। आंसर मेरा क्लियर बेटा? एक और सम करवाओ। चलो लेट अस डू वन मोर क्वेश्चन, ठीक है? लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 8। सारी एक्सरसाइज इसी पर बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 8, बाकी सब सिंपल हैं, बिल्कुल सिंपल हैं, तो मैं क्वेश्चन नंबर 8 करवाने लगी हूँ। देखिए जरा, 1 to 2, 1 by 2 minus 1 by x square मेरे पास जो है e power 2x dx। अब देखो ये कैसे, अगर e पावर x नजर आए ना तो मेरे माइंड में यही होता है, अरे बाबा e पावर x है ना, तो फंक्शन और साथ में उसका डेरिवेटिव, मैं एडजस्ट करके देखो, ठीक है? देखो जरा मैं अब फंक्शन और साथ में उसका डेरिवेटिव, लेट अस सी। अब मैं फंक्शन किसको लूं, सबसे बड़ी तो प्रॉब्लम मुझे यही होती है ना, अगर मैं फंक्शन इसको लेके देखूं x power -1, इसका डेरिवेटिव लूं, तो मेरे पास क्या बनता है, पावर आगे जाती है, एक पावर कम हो जाती है, यही होता है ना। तो ये तो -1/x² आया, ये 2 भी एक्स्ट्रा है, 2 प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है मुझे, तो 2 को मुझे किसी तरह एडजस्ट करना है, नहीं तो मैं डायरेक्ट लगा देती, मैं डायरेक्ट इसको लगा देती, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आनी थी। तो अब मैं क्या करूं, फिर मेरे पास एक ही ऑल्टरनेटिव में मैं सेपरेट कर दूं, फिर देखती हूँ कि क्या होता है, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, सेपरेट कर दें, मुझे पता है इसका कि ये 2 एडजस्ट हो जाएगा, आई नो इट बाय एक्सपीरियंस, इतने साल हो गए हम करवाते हुए, बट आपके लिए एडजस्ट करना मुश्किल होता है, तो हम इसीलिए मैं आपको इसको सेपरेट करके बताने लगी, मतलब 1/2 1/x e power 2x dx, ओके, माइनस इंटीग्रल 1/2, मेरे पास 1/2 x² e power 2x dx, ओके। अब इसको हम करेंगे आगे बेटा, टाइम ओवर हो गया, क्लियर? तो वी विल डू इट टुमारो, गेट रेडी फॉर द एक्स्ट्रा क्लास टुमारो, टाइम विल बी अनाउंस इन द ग्रुप और विल बी मैसेज विल बी सेंड इन द ग्रुप फॉर द एक्स्ट्रा क्लास, ओके? टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।